अब तक आपने देखा। योर ऑनर, अगर प्रियोम ठाकुर के एक्सीडेंट की रिपोर्ट को और गहराई से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि प्रियोम ठाकुर के एक्सीडेंट में बिंदिया कुमारी का ही हाथ हो। आज तुमने साबित कर दिया पूनम कि तुम मंचिता की ही बेटी हो। नहीं बिंदिया, तुम्हें मैं गलत समझ रही। आज के बाद दूर रहना हमसे। हम जानते, आप नहीं चाहती थी कि हम कोर्ट में जाकर सब सच बताते, इसलिए आपने हमको बंद कर। इन दोनों ने वही किया, जो हमने इन्हें करने कहा। अब देखिए आगे। अच्छा, एक महीना पहले जो खिदमत किया गया था, लगता है मन नहीं भरा उससे आपका। कुछ कसर रह गया था उसमें, आज पूरा कर देते हैं, समझे? लाखन, दद्दाजी को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, घर के बड़े हैं वो। का बड़की अम्मा, का बात कर रही है? भूल गई क्या कि गुड्डी के साथ इन्होंने क्या किया? अरे दो गुंडों के साथ आके धौंस जमा रहे हैं यहाँ पे। लाखन, अभी तक हमने तुमको इस बात की इजाजत नहीं दी कि बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात करो तुम। तो बैठ के धीमे आवाज में सब बात करते रहे। आइए। जिन कदमों से तुम हवेली में दाखिल होने वाली थी उनको मोड़ कर वापस वहीं चली जाओ जहां से तुम आई हो। अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकती बिंदिया। कोई नहीं है तुम्हारा यहां पर, कोई हक नहीं पहुंचता तुम्हें इस घर में रहने का। हक नहीं? हक कैसे नहीं? ये हमारे पति का घर है और प्रियोम ठाकुर की पत्नी होने के नाते हमें कोई अंदर आने से नहीं रोक सकता। कितनी बेगैरत और बेशरम हो तुम। अपने स्वार्थ के लिए इस परिवार को तोड़ने से पहले तुमने जरा भी नहीं सोचा। कोई मलाल नहीं है तुम्हें इस बात का? क्या आपको अपनी हरकतों पर मलाल है? अगर गलत काम करके आपको शर्म नहीं आ रही तो हम क्यों शर्माएं? हम तो सही का साथ दे रहे हैं। हम अंदर जाएंगे। खबरदार, जो एक कदम आगे बढ़ा है, निकल जाओ यहां से। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं इसी घर में रहेंगे और देखते हैं हमें कौन रोकता है। चल! ऐसा नीच और गिरा हुआ स्त्री को कि हवेलिया में दाखिला दिया, आने दिया, यह बहुत बड़ा गलती किया है हमारा परिवार वालों ने। आने ही नहीं देना चाहिए था हवेलिया में। आई हम
फाइनल वार्निंग देता हूं, अब लाउड के पीछे देखा तो तेरा ही हशर करूंगा। इस धरती पर कौनो स्त्री ऐसा हरकत कर पहले सौ बार सोचेगा, धरती कपवा दूंगा, सुन रही है? निकल! आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग ऐसा करेंगे तो हम डर जाएंगे, घबराकर पीछे हट जाएंगे? नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सच्चाई सारी दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। शायद आप लोग भूल रहे हैं, जिस दिन प्रियोम का कत्ल हुआ उस दिन उनका जन्मदिन था, पूरा बेगूसराय यहां आया हुआ था। बेगूसराय के लोगों के सामने प्रियोम की लाश आई, सबने देखा कि प्रियोम की मौत हादसे में नहीं हुई बल्कि उनका कत्ल किया गया है, गोली लगी थी उनको। कोर्ट में आपने हमें तो चुप करा दिया, लेकिन बेगूसराय के लोगों को चुप कैसे कराएंगी आप? हम सबको सच्चाई बताएंगे, बेगूसराय के लोगों के सामने जाकर न्याय की गुहार करेंगे, एक एक को पकड़ के सच बताएंगे। और हमें पूरा यकीन है कि बेगूसराय के लोग सच्चाई का साथ देंगे, अपने बाहुबली का साथ देंगे। अब आप लोगों को जो करना है करना है, अब ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब प्रियोम ठाकुर की जीत होगी। बड़ी अम्मा ऐसे कैसे कर सकती? दादाजी को इस घर में वापस। हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या सोच रहा है और कौन क्या कर रहा है। बस हमारा मन कर रहा है ना कि दादाजी को मार मार के इनका राम नाम सत्य है कर दे। अपने आप को तकलीफ देकर क्या होगा? हमें तो अभी बिंदिया की फिक्र हो रही, न जाने गुस्से में आकर कुछ करना बैठे। कुछ नहीं करेगी, उसने तो हमारी बात भी नहीं मानी। गुस्से में जब इंसान होता है तो अपना आपा खो बैठता है, लेकिन अगर उसके दिल में प्यार तो वो उसे समझ ही जाता है। बोले, इतना हिम्मत बढ़ गया उन लोगों का, आते हैं हम ठीक करते हैं सबको। क्या? पटना के ठेकेदार हैं, हमारे कारखाने पे कब्जा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ठाकुर खानदान में सब मर गए। सुनो, रात तक आ जाएंगे, ठीक है? अपना और बिंदिया का ख्याल रखना, आते हैं उनकी औकात दिखा के उनको। तमाम जिंदगी हम यही गलती करता रहा कि धूल हमारे चेहरे पर था और आईना साफ करता रहा। इसलिए हम एक काम करता, हम तोहरी
बहरारू का वो सब चूड़ियां लेके आता हूँ और तुझे पहना दूंगा। चूड़ियां पहन ले और घर में चूल्हा चौका कर। अरे बुड़बक, यही तो चाहती है वो। प्रियंबा गलती से मार दिया, तोहरा कौन गलती है नहीं है हम जाना था। ठाकुरन का खून मक्का हो गया, सुन रहा है? और यहाँ शतरंज का बिसात बिछा हुआ है और चाल हम चल चुका। अब हम जैसा कहूंगा तुझे तू वैसा ही करेगा। बेगूसराय का बाहुबली है तू और एक बाहुबली होने का अपना फर्ज निभा। दरवाजा कहाँ बंद किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा बंद करने की? दरवाजा खोलो, हम कहते हैं दरवाजा खोलो। एक्सपायर हो गया। कुछ लाइसेंस था ना तुम्हारे पास इस हवेली में अपना मनमर्जी करने का? एक्सपायर हो गया। अब मिथिलेश ठाकुर की मर्जी के बिना, उसकी परमिशन के बिना ना तुम अंदर आओगी ना बाहर जाओगी, ठीक है? हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे इसका फैसला ना तो तुम करोगे और ना तुम्हारा परिवार। तुम्हारे बाप का घर है, तो तुम्हारे पति का भी नहीं है। हमारे बाप का है। फैसला तो बहुत छोटा बात है बिंदिया, अब तो सांस भी तुम हमारी परमिशन के बिना नहीं ले सकोगी, क्योंकि जिस आदमी के ताज और राज पे नजर गड़ा के गिद्ध की तरह बेगूसराय में अंटर की थी ना बिंदिया, वो तुम्हारी बदकिस्मती की वजह से रहा नहीं। और ये बात हमसे अच्छी तरह से और कौन जानता है कि यही ताज और राज पाने के लिए तुम हमारे पति को मारे हो, और अब ये बात हम पूरे बेगूसराय को बताएंगे। हम तो क्या है बिंदिया, छींकते भी है ना तो सबको पता चल जाता है, नया बात नहीं हमारे लिए। इस महल में तो तुम साम दाम दंड भेद से घुस गई, लेकिन ये कोठे वाला जवान तू, तू ये सोच, ये फितरत, ये कैसे बदल सकता था? ये बदलता नहीं है ना बिंदिया आसानी से। अब तो क्या करें, कोठे पर भी तो इन्हीं ठाकुरों से बात करना पड़ता है। अब वही ठाकुर जब घर में मिलेंगे तो ऐसे ही जवाब निकलेगी ना कोठे वाली। मानते हैं तुम्हारा बात, चलो तुम्हें अपना औकात याद तो है बिंदिया। बिंदिया, प्रियोम को तो सच में गलती से गोली लग गया था, लेकिन अगर हमारा बंदूक कभी तुम्हारी तरफ तन गया ना तो तुम्हें छलनी करके तुम्हारी लाश को बेगूसराय की सड़क पर लटका देंगे चील कौवों के लिए, याद रखना। अरे जा, एक खोखली धमकी ना किसी और को जाकर देना। जिस औरत का सुहाग उजड़ता है ना उसकी हिम्मत टूटती नहीं और बढ़ जाती है। अब तू कुछ
कुछ दिन है तेरे पास, खुली हवा में सांस ले ले, और उसके बाद अगर हमने तुमको जेल में सारी उम्र सड़ा ना दिया तो हमारा नाम भी बिंदिया प्रियोम ठाकुर नहीं। याद रखना। धर दे कनपटिया बंदूक वहां। बिंदिया बंदूक फेंक, फेंक बंदूक पीछे, चल पीछे, चल। विद्या, अरे पकड़, ए कोठे वाली, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कयामत आएगी। ठाकुर को अब सबके साथ की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। प्रियोम ठाकुर ने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचा, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को खुश देखना चाहते थे। आज जब उनको आपकी मदद की जरूरत है, आप लोग आगे नहीं आएंगे मदद के लिए? बिंदिया ठकुराई ना गए वो हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिंदिया ठकुराई ना गए वो हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिंदिया ठकुराई ना गए वो हो। दादी, खाते हो और कर रहे हो इस तमाम को, शर्म नहीं आती? हाँ, एक भी परिवार जो इस बात को ठुकरा सके। बेगूसराय है यहाँ, कोरट भी हमरा, वकील भी हम ही है और जज भी हम ही है। आज हम ही का इसी सजा दूंगा, युगों युगों तक याद रखेगा। समझता क्या अपने आप को?
भगवान समझता है अपने आप को? अरे तू कुछ नहीं है, जनता की ताकत के आगे ना तेरे जैसे कुत्ते की कुछ नहीं चलने वाली। भद्दा जी, आप ठकुराइन के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। छुरी ठकुराइन को। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, चल पीछे चल। आज हम तुझे बताता हूँ कि ठाकुर से टकराने